यू शेप, आई लव यू वाला यू नहीं, यू शेप ऐसा यू होता है। हे गाइस, व्हाट इज अप। तो कल हमने क्या शुरू किया था, कल हमने मॉर्फोलॉजी शुरू की थी। मॉर्फोलॉजी में हमने सबसे पहला टॉपिक देखा था रूट। तो रूट के बारे में फिर से हम एक दो बार रिवाइज कर लेंगे। एक दो बातें जैसे हमने कहा था, जिया जिया मोरा बड़बड़ पे, यानी पॉजिटिवली रूट क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी जमीन के नीचे जाता है, क्योंकि वो पेनिट्रेट करने का काम करता है। क्या करता है? पेनिट्रेट करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने रूट के टाइप्स देखे थे, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। तो टैप रूट में हमने देखा था एग्जाम्पल्स, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स मॉर्फोलॉजी में। तो टैप रूट में हमने देखा था कि जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स हमको मिलती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टैप रूट बोलेंगे। तो उसके एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो है डाइकॉट्स और मस्टर्ड है। डाइकॉट्स और मस्टर्ड, डीएम टी, टैप रूट डी से डाइकॉट्स और एम से मस्टर्ड, टीएमडी। ओके, उसके बाद आते हैं हम फाइब्रस रूट पे। फाइब्रस रूट को मैंने बताया आपको कि एक प्राइमरी जो रूट होती है एकदम शॉर्ट लिव्ड होती है, उसके बाद आजू बाजू से उसके पूरे ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जो जो क्या काम करते हैं, सरफेस फिल्टर काम करते हैं, सरफेस एरिया को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं उसको बढ़ाने का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन के सबसे ज्यादा काम वहाँ पे होता है फाइब्रस रूट में। एक से एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने देखा टैप रूट में डाइकॉट्स होते हैं, यहाँ पे मोनोकॉट्स होना चाहिए। मोनोकॉट्स, और मोनोकॉट्स में क्या आता है? वीट आता है। उसके बाद आते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसको हम कहते हैं जो अदर देन रेडिकल की तरह से निकलता है, यानी किसी और पार्ट से निकलता है प्लांट के। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसके एग्जाम्पल्स क्या है? मॉन्स्टर, यानी मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। सबसे फेवरेट बनियान जो हम पहनते हैं वो ट्री नहीं, बड़ा वाला ट्री, बनियान ट्री, जिसके बनियान ट्री के जो लगते हैं वो जो लंबे, आपको लगता है कि भाई टार्जन जिससे आ आ करके जो भागता है आगे उड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? वो रूट्स होते हैं, ठीक है। उसकी पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए हम आज थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे रूट के रीजन के बारे में देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला हम देखेंगे ये रूट का रीजन है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है जहाँ पे रूट हेयर वगैरह निकलती है, ये रूट हेयर्स है, और ये रीजन ऑफ इलांगेशन है। अगर हम देखें रूट की जो टिप है, ये रूट टिप जो ये रेड सर्कल में जो किया है, रूट टिप है, रूट टिप के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं रूट कैप। ये वाला जो इस पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के बाद आते हैं उसके ऊपर एक रीजन होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी कहते हैं, वही रीजन ऑफ इलांगेशन। तब सबसे पहले देखेंगे रूट कैप के बारे में। तो रूट कैप को एक है, यानी ऑल्सो नोन एज क्लैप्ट्रोजन और क्लैप्ट्रा, ये इंपॉर्टेंट एक वर्ड याद रख सकते हैं हम लोग। स्टार मार्क कर देंगे हम लोग इसको, ये क्लैप्ट्रोजन और क्लैप्ट्रा भी इसको बोलते हैं रूट कैप को। रूट कैप का फंक्शन क्या है? रूट कैप जो है यंग टेंडर पार्ट ऑफ द टिप प्रोटेक्ट करता है, उसको यंग टेंडर पार्ट जो होते हैं, टेंडर यानी जिसको हम आसानी से चबा सकते हैं, जो आसानी से डिग्रेड हो सकते हैं, जिसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इजीली ब्रेकेबल जो होते हैं, उनको बचाने के लिए काम क्या करता है? रूट कैप। वही उसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द प्रोटेक्शन में काम करता है। उसके बाद जो रूट कैप होती है एकदम टफ होती है, यानी उसको ठीक रहती है। यहाँ पे जो है रूट कैप नॉट कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग H2O, यानी वाटर अब्सॉर्प्शन में सब कोई काम नहीं होता, क्योंकि पेनिट्रेट करते रहती है, यानी ये अंदर घुसने का काम, उसका काम होता है जमीन के अंदर घुसते जाना। तो अगर आप जमीन के अंदर किसी को डालोगे तो यहाँ का पोर्शन थोड़ा टफ होना पड़ता है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए, जमीन को डिग्रेड करने के लिए उसका काम होता है, किसका काम होता है? रूट कैप का काम होता है। क्योंकि यहाँ पे अब्सॉर्प्शन क्यों नहीं होता है, वाटर अब्सॉर्प्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर जो है वो एब्सेंट रहते हैं। ये जो रूट हेयर है ये सबसे मेन फंक्शन है इनका, रूट हेयर का जो अब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। रूट कैप की शेप क्या होती है? टिम्बल शेप होती है, यू शेप, आई लव यू वाला यू नहीं, यू शेप ऐसा यू होता है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, टिम्बल शेप ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे मेन बात जो है, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं।